गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में यूनिट्स पढ़ी थी फंडामेंटल्स, और हमने एक क्वांटिटी और पढ़ी थी, वो थी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या बताई थी आपको, विच कैन मेजर नंबर वैल्यू एज वेल एज फॉलो फिजिक्स रूल। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर वैल्यू में, और साथ में वो फिजिक्स के रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या था फिजिकल क्वांटिटी में, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, एटीसी। ये ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं नंबर वैल्यू में, और वो क्या है, फिजिक्स के रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। कुछ ऐसी क्वांटिटी भी है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कंडीशन क्या है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद उस पर गुस्सा भी बहुत होंगे आप, लेकिन उस गुस्से को हम काउंट नहीं कर सकते कि आप में कितना गुस्सा है। ऐसा भी कोई मित्र है आपकी हेल्प की, आपकी हेल्प की, तो आप उसकी प्रशंसा करते नहीं थकोगे, तो वो जो प्रशंसा है उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। लव है उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। जितने भी फीलिंग्स है अपनी, जितने भी फीलिंग्स है, वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती। और फिर उसके बाद पढ़ा था हमने यूनिट्स, इम्पोर्टेंस है बहुत। और आज पढ़ते हैं डायमेंशन। डायमेंशन में मास, जिस भी फॉर्मूले में मास दिखेगा आपको, उसको लिखेंगे हम कैपिटल एम। लेंथ को लिखेंगे कैपिटल एल। टाइम को लिखेंगे कैपिटल टी। और इलेक्ट्रिक करंट को लिखेंगे कैपिटल ए, या कुछ राइटर इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब आता है चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल है आई इक्वल चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज क्या आ गया आपके पास, क्या हो, करंट आई इंटू में टी। आई को किससे डिनोट करते हैं, करंट को आई से या कैपिटल ए, ए से डिनोट किया। टाइम को किससे करते हैं, कैपिटल टी। ये किसका है, चार्ज का। इनका यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। क्या फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो फर्स्ट ही यूज करते हैं एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ एल, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है, तो क्या हुआ एल। पावर क्या है, वन, वन बेस सेम है, तो क्या हुआ एल स्क्वायर। जब भी डायमेंशनल लिखते हैं हम किसी भी टर्म का, तो उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। इसका जो मीनिंग है, क्लोजिंग का, जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है, इसका मीनिंग ये है कि इस डायमेंशनल में
नंबर जो वैल्यू है उसमें एरर मिल सकती है, लेकिन जो इसके डायमेंशनल है वो सेम होंगे, करेक्ट डायमेंशनल है। नंबर वैल्यू मिल सकता है डिफरेंट, लेकिन डायमेंशनल जो है यही है एरिया का। फिर आता है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया साइड क्यूब या आर क्यूब, जो भी आपके पास लेंथ। लेंथ क्या हुई एल, लेंथ को किसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो क्या हुआ एल क्यूब। फिर आता है इसमें आपके पास थर्ड नंबर पे वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, लेंथ ही हुई, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपके पास एल, और टाइम का क्या है टी, तो क्या हुआ एल टी माइनस वन। फिर आता आपके पास एक्सेलरेशन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हुआ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का क्या है, जस्ट एक सेकेंड पहले ही पढ़ा आपने, क्या है वेलोसिटी का आपके पास एल टी माइनस वन, और नीचे क्या है आपके पास टाइम, टाइम को कैपिटल टी से, तो क्या हुआ आपके पास एल टी माइनस टू। फिर पढ़ते हैं हम फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आपके पास एल टी माइनस टू। फिर आता है आपके पास वर्क। वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या है एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है लेंथ है, लेंथ का क्या है एल, तो क्या हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कुछ ये फॉर्मूले हैं, यदि ये आपको याद है तो आप किसी भी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और देखते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी का जो फॉर्मूला हुआ एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने इस फिफ्थ नंबर पे पढ़ा आपने, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है एल डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर क्या है आपके पास टू। फिर नीचे क्या है आपके पास मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एम, इस मास का एम, एम से एम कैंसिल, एम अपर साइड में पावर, यहां वन है तो ऊपर क्या होगी आपकी माइनस वन, एल वन और ये एल टू, पावर क्या हुई एड, तो थ्री हुआ।
और क्या आया आपके पास m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये किसका है g का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर पढ़ते हम नाइन्थ क्लास में पढ़ा था आपने ये, नाइन्थ क्लास में एक चीज और पढ़ी थी आपने, मोमेंटम। क्या पढ़ा था? मोमेंटम। मोमेंटम क्या था आपके पास? पी से डिनोट करते हैं हम, मास इनटू में वेलोसिटी। ये भी आपने बच्चों नाइन्थ क्लास का ही फॉर्मूला है आपके पास। तो मास का क्या है आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला? कैपिटल एम। और वेलोसिटी का क्या है आपके पास? एल टी माइनस वन। ये हो गया। और पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंथ क्लास का ही फॉर्मूला है। तो आपके पास क्या था? वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, ये रहा आपके पास एम एल टू टी माइनस टू। और चार्ज का क्या आपके पास? चार्ज का ये रहा आपके पास ए टी। तो क्या हुआ? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए इनवर्स। ये किसका है? ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। फिर आता आपके पास रेजिस्टेंस। क्या आता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी आपने टेंथ क्लास में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? करंट का। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था अकॉर्डिंग्स ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ। क्या फॉर्मूला था? V इक्वल आर आई, और R किसके इक्वल हुआ? R क्या यहाँ पे? रेजिस्टेंस। तो R किसके इक्वल हुआ? V बाई आई। अभी फाइंड आउट क्या था? V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M L स्क्वायर T माइनस क्यू और A इनवर्स। और इलेक्ट्रिक जो करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या है? ए। तो रेजिस्टेंस का क्या आ गया आपके पास? एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू और ए माइनस टू। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास? रेजिस्टेंस का। और आपके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये होगा। और सभी की यूनिट क्या है? जूल। न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स कोई भी हो आपके पास, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। तो इस प्रकार हम डायमेंशनल फॉर्मूले क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल और लेते हैं हम, यूनिट करवाई थी तब भी लिया था आपका ये एग्जांपल, वो क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर।
और प्रेशर का जो फॉर्मूला है आपके पास, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन में एरिया। और फोर्स का जो डाइमेंशनल फॉर्मूला था अभी बताया कुछ सेकंड पहले ही, क्या है आपके पास, पी इक्वल एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या है, एल स्क्वायर, एक एल से ये एल कैंसिल, तो क्या हुआ एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये किसका आ गया आपके पास डाइमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। थैंक यू। इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, डाइमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड डाइमेंशनल। यूनिट भी सेम यही प्रोसेस है आपका, भाई मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, लेंथ की क्या है मीटर, टाइम की क्या है सेकेंड, इन सब जगह जहाँ भी मास है वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या हो गई मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू पुट करने के बाद आप किसी भी टर्म की यूनिट और डाइमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हो। और अपनी प्रैक्टिस करना आप कंटिन्यू, और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी डाइमेंशनल में और किसी भी यूनिट में आप कमेंट में क्वेश्चन छोड़ सकते हो और उसका सॉल्यूशन फिर मैं आपको करवा सकता हूँ। थैंक यू।